हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड से जुड़ी जानकारी के लिए, यूपी बीएड की काउंसलिंग, यूपी बीएड में प्रवेश लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी सरकारी और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, कहाँ कितनी सीटें हैं, तो ये आप लोग डायरेक्ट कॉलेज में जा कर के चेक कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दी हुई है, उस पीडीएफ में जा कर के, मतलब एक कॉलेज लिस्ट है, उस कॉलेज लिस्ट में जा कर के आप देखेंगे सरकारी कॉलेज में, जो भी आपके जनपद का है, जो भी आपके एरिया का सरकारी कॉलेज है, तो वहाँ पर जा कर के आप ये देखेंगे कि कितनी सीटें हैं। जिस भी वर्ग से हैं आप, साइंस वर्ग से हैं, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या फिर आर्ट वर्ग से हैं, ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ से जाकर के आप लोग चेक कर पाएंगे कि सरकारी और प्राइवेट सीटें कहाँ कितनी हैं, क्योंकि ये सरकारी और प्राइवेट कॉलेज लिस्ट मैंने आपको दी हुई है। हालाँकि ये नई नहीं है, है ये पुरानी, लेकिन कॉलेज वही होंगे, जो नई लिस्ट आएगी उसमें कॉलेज वही होंगे और कुछ नए कॉलेज होंगे जो प्राइवेट ऐड हो गए होंगे, ठीक है। सीटें थोड़ी बहुत बढ़ती हैं, वो भी प्राइवेट में, सरकारी में सीटें उतनी ही रहती हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ से आप लोग कैसे देख पाएंगे। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट का एक पेज है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूपी बीएड एंट्रेंस कॉलेज लिस्ट 2023, ठीक है, तो ये सीटें आपकी अपडेट हो गई हैं। सीटें पहले 240,000 थी, 240,000 प्लस सीटें थी और अब सीटें आपकी लगभग 2 लाख से 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर हो गई हैं, 2,53,000 है ना, और गवर्नमेंट सीटें आपकी 12,000 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट चाहिए और प्राइवेट कॉलेज लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है एक बार में ओपन नहीं होगा, तो आप फिर से इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये ओपन होगा तो आपसे पूछेगा किस ब्राउज़र से ओपन करना है, तो आप जैसे क्रोम कर दोगे यहाँ पे, देन इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सब यहाँ पर अवेलेबल है सीट के साथ में। जैसे यहाँ पर देखते हैं, देखो इसको जूम कर ले रहे हैं, ये जूम कर लिया मैंने। यहाँ पर आप देखोगे तो पहले यूनिवर्सिटी दी गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में आगे देखेंगे तो कॉलेज का नाम है, पूरी डिटेल है, ठीक है, फीस भी साथ में यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप देखेंगे कॉलेज का टाइप क्या है, तो कॉलेज का टाइप है एडेड, जिसमें एडेड लिखा होगा वो सरकारी कॉलेज है और गवर्नमेंट भी लिखा होगा, ठीक है, एडेड सरकारी कॉलेज है और यहाँ पर को एजुकेशन में, यानी मेल फीमेल दोनों होंगे और जो फीमेल वाले होंगे उसमें फ़ीमेल लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद में आप आगे आ जाओगे तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो दी गई हैं, सीटें यहाँ पर देखिए दी गई हैं आर्ट और कॉमर्स की, लेकिन अब लिख करके आता है एसी और यहाँ पर लिख करके आता है एसे। एसे का मतलब होता है कि साइंस और एग्रीकल्चर, ठीक है। जो अब नई लिस्ट आ रही हैं उसमें क्या दिया रहता है कि एसी दिया रहता है, एसी मतलब आर्ट और कॉमर्स की सीटें 25 हैं और साइंस और एग्रीकल्चर की सीटें कितनी हैं, 25 हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट में सीटें सरकारी की अपेक्षा कम रहती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे के सारे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसके बाद में जो प्राइवेट कॉलेज होगा उसमें सेल्फ फाइनेंस दिया होगा, सेल्फ फाइनेंस दिया होगा, देखिए सीटें यहाँ पर कितनी है, 80 और 20 सीटें हैं, ठीक है। आर्ट और कॉमर्स की सीटें ज़्यादा हैं और साइंस और एग्रीकल्चर की सीटें कम हैं, तो हमें सीटें भी देखनी होंगी। जहाँ पर हम एडमिशन लेने जा रहे हैं उसमें ये देखना होगा कि मेरी रैंक ज़्यादा है और यहाँ पर सीटें कितनी हैं, कितनी नहीं हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं, पेज बहुत सारे हैं, तो आप अपनी जो भी यूनिवर्सिटी आपके ज़िले की हो, जैसे लखनऊ से हैं आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, कानपुर से हैं तो कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल अच्छे से मिल जाएगी। बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इसको डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा।